हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो हमने अपनी लास्ट वीडियो नंबर 25 में पढ़ा था उससे बेस न्यूमेरिकल करेंगे। उस न्यूमेरिकल में बैंकिंग डिस्काउंट या बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं, साथ में डिस्काउंट के भी ट्रांजैक्शंस होंगे जो हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का रूल पढ़ा था। मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये टीएस देवाल वन ऑफ द इलस्ट्रेशन है जिसको मैं सॉल्व करूंगी और हम देखेंगे कि किस तरह से मैं इनको रूल्स फॉलो करके और इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ इन माय जनरल एंट्री बुक। क्वेश्चन फॉर्मेट बना दिया मैंने, देन पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंट्री। साहिल इंट्रोड्यूस्ड कैश एज कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड गेव अ चेक फ्रॉम रुपीज सेविंग अकाउंट रुपीज 10 लाख। साहिल ने जब एक बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने 1 लाख रुपीज तो कैश में दिया और बाकी थोड़ा सा पैसा उसने अपने सेविंग अकाउंट में से भी दिया और बिजनेस स्टार्ट किया। हमने ईयर लिख लिया एक बार कॉमन और यहाँ लिखा अप्रैल 1 और हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा उसने चेक भी लगाया, बैंक अकाउंट डेबिट और बेटा उसने ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और बिजनेस स्टार्ट किया। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या बीइंग कमेंस्ड बिजनेस, कितना कितना पैसा लगाया बेटा? 1 लाख रुपीज तो उसने कैश में दिया और थोड़ा सा उसने चेक दिया 10 लाख का, तो पूरा पैसा उसने अपने बिजनेस में लगाया ऑफ 11 लाख। ये है हमारा पहला ट्रांजेक्शन जिसमें मैंने कैश में रियल रूल अप्लाई किया है, बैंक में पर्सनल रूल अप्लाई किया है और कैपिटल में मैंने अपना भी अगेन पर्सनल रूल ही अप्लाई किया है। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो कैपिटल मैंने बेटा कैपिटल रूल अप्लाई किया है जो कहता है इफ द कैपिटल इंक्रीज क्रेडिटेड, तो मैंने कैपिटल बढ़ गया तो उसको क्रेडिट कर दिया है। बैंक में और कैश दोनों में मैंने एसेट्स रूल अपनाया है, अगर कैश या बैंक दोनों ही बढ़ जाए तो उनको डेबिट कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अप्रैल 2। अप्रैल 2 में है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख अगेंस्ट चेक अवेलिंग 10% डिस्काउंट। मतलब इस पैसे में ही ऑलरेडी टीडी अवेलेबल है, टीडी माने ट्रेड डिस्काउंट। परचेज किया है चेक देके तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। अमाउंट है हमारी 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000 होता है और 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दो तो 90,000 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 2 अप्रैल की ही एंट्री है, इश्यू चेक एज एडवांस फॉर मशीनरी 1 लाख, मैंने मशीनरी का एडवांस दिया है, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक इश्यूड फॉर मशीनरी। कितने रुपए का चेक इश्यू किया है बेटा? 1 लाख, मैंने 1 लाख लिख दिया डेबिट में और यही 1 लाख लिख दिया क्रेडिट में। एंट्री 3, 3 अप्रैल परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख लेस 25% टीडी एंड पेड इमीडिएटली आफ्टर अवेलिंग द सीडी ऑफ 2%। याद रखिएगा परचेज के साथ हमेशा हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, तो एंट्री करेंगे देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव बीइंग गुड्स परचेज विद टीडी एंड सीडी, टीडी माने ट्रेड डिस्काउंट एंड सीडी माने कैश डिस्काउंट। पहले इस 2 लाख रुपीज में मैं 25% का टीडी काट लेती हूँ
25% निकाल लेती हूँ इसका, 50,000 आ जाएगा। 2 लाख में से 50,000 माइनस करूंगी, 1,50,000 आ जाएगा। 1,50,000 तुरंत ही टीडी कार्ड के हम परचेज में लिख देते हैं। अब इसमें हम कैश डिस्काउंट काटेंगे 2%, जो कि हमारा 3,000 आएगा। 3,000 का वैल्यू काटेंगे, 147 आ जाएगा बेटा हमारा कैश में, और डिस्काउंट हो जाएगा 3,000 का। यहाँ पर मैंने सीटी एंड टीडी बोथ कट कर दिया। मैंने आज परचेज गुड्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। 7 तारीख की है ये। सोल्ड गुड्स टू राकेश, राकेश को सामान बेचा और मुझे चेक मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट पेज पे ले जाने का तरीका मैं आपको 2 न्यूमेरिकल में सिखा चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, बस आपको पता है कि किस तरह से नोट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक का अमाउंट हमें दे रखा है 50,000। और हमने यहां पर वैल्यू लिख ली 50,000, एंड अगेन द सेम वैल्यू वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड। इनको ऐड करेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड, वहां सेल्फ करेंगे और नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे तो यहां पर लिखेंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, और जो भी एडिशन आ रहा होगा वो हम यहां लिख लेंगे। मैं एंट्री कंटिन्यू कर लेती हूँ जो हमारी आगे की है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो हमें दे रखी है अप्रैल 10। अप्रैल 10 में हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स टू रमन, हमने रमन को सामान बेचा 25,000 लेस 10% डिस्काउंट। रमन को सामान बेचा है क्योंकि कैश है, चेक कुछ नहीं है। मैंने लिखा रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट बी गुड्स सोल्ड। इसमें टीडी कट करेंगे 25,000 का, जब मैं 10% करूंगी 2,500 आएगा और माइनस कर देंगे तो 22,500 आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अप्रैल 14 की एंट्री कर लेते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमन एंड अलाउ 2% कैश डिस्काउंट। मैंने चेक पाया है रमन से और उसको अलाउ किया है डिस्काउंट ऑफ 2%, तो रिसीव द चेक फ्रॉम रमन, तो एंट्री बनेगी बेटा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, क्योंकि सेल है और सेल के साथ हमेशा डिस्काउंट अलाउड आता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमन बीइंग चेक रिसीव। चेक कितने का होना चाहिए था? 22,500 का। डिस्काउंट मिला है मुझे इससे कितने परसेंट? 2%, मैंने 2% निकाल लिया और 450 मैंने डिस्काउंट में लिख दिया बेटा, और मैंने इसको बैलेंस किया। चेक मुझे रमन से मिला था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है।
तो जब चेक डिसऑनर हो गया बैंक चार्जेस 200, बैंक ने चार्ज कितना किया 200 एज अ चार्ज। जब रमन ने चेक जमा किया होगा बैंक में तो बैंक टू रमन होना चाहिए, और जब भी बेटा डिसऑनर हो जाएगा ट्रांजेक्शन को हम अपोजिट कर लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही सोचिए, अगर रमन को ने पैसा बैंक में जमा किया होगा तो बैंक डेबिट टू रमन रहा होगा, और यही चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो रेसिप्रोकल एंट्री क्या होगी, रमन टू बैंक। तो जब भी डिसऑनर होगा एंट्री को हम रेसिप्रोकल करेंगे, रमन डेबिट टू बैंक। लेकिन इसमें एक बात और भी बताई है कि बैंक ने हमसे चार्ज लिया है 200 का, साथ में कंपाउंड एंट्री कर देती हूँ बैंक चार्ज, और बेटा जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था रमन को चेक लेते में, हम उसको भी दोबारा से रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अब वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज नाउ दैट अमाउंट इज डिसऑनर्ड, या दैट चेक इज डिसऑनर्ड, उस चेक पर ही तो मैंने डिस्काउंट दिया था। अब देखिए फिलिंग कैसे होगी, हमारा टोटल चेक कितने का था 22,500, ठीक है। बैंक में हमारे बाद में लिखेंगे, पहले बैंक चार्जेस लिखते हैं कितने की है बेटा 200, डिस्काउंट जो मैंने रिवर्स किया है वो कितना है 450, और बैलेंसिंग आ जाएगी बैंक में। तो देख लेते हैं 22,700 में से 450 माइनस कर देती हूँ तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 22,250। ऐड करके देख लेते हैं 7,22,700 एंट्री यहाँ पर फिनिश हो गई। इस एंट्री के बाद हमारी जो अगली एंट्री है वो है हमारी पेड लाइफ इंश्योरेंस ऑफ साहिल बाय ड्राफ्ट बैंक चार्जेस 100। लाइफ इंश्योरेंस पे किया है, एक्सपेंसेस रूल लगेंगे, और यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक इंश्योरेंस हो चाहे बेटा चाहे इनकम टैक्स हो, वो हमारे पर्सनल खर्चे माने जाते हैं। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, मेरा लाइफ इंश्योरेंस हो या हमारा बेटा पर्सनल कोई भी खर्चा, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द रूल हमेशा ड्रॉइंग्स होती हैं। तो 25 की हम ड्रॉइंग्स की एंट्री करेंगे और वो हो जाएगी हमारी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वैल्यू आएगी हमारी 10,000, और उसमें हमने टैक्स कितना दिया 100 का, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी बेटा 10,100 और 10,100। इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री रह गई है जो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। एडिशन और नेक्स्ट पेज पे जाने का तरीका वही होगा जो मैंने आपको बताया था, नीचे ऐड करके लिखेंगे टोटल CF मतलब कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे टोटल BF मतलब वी हैव ब्रॉट द अमाउंट इन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट ट्रांसफर टू द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ₹5,00,000। 5,00,000 रुपीज का अमाउंट मैंने बैंक से लेकर अपने FD में या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री बनेगी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैं बैंक टू बैंक भी लिख सकती हूँ, बैठे में FD दिखा दूंगी, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली दिखा दिया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बी अमाउंट ट्रांसफर टू FD अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 5,00,000 और 5,00,000। इस तरह से मैंने आज आपको कंपाउंड एंट्री को भी लिया, मैंने बेटा बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी ऑलमोस्ट ली, डिस्काउंट का भी एक पॉइंट हमें दिखा, और एक केवल TD के दिखा, और एक सबसे पहली एंट्री हमें सिंपल एंट्री भी दिखी जो कि कंपाउंड थी, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने चेक में भी दिया था। हमने अब तक जितने भी रूल पढ़े थे उसका कंबाइंड क्वेश्चन था, ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था और द चैप्टर जनरल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और भी ट्रांजेक्शन पढ़ाऊंगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उससे बेस भी न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो समझ में आई हो, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो तो
मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।